Hello everyone, welcome back to Economic Decode. Yesterday we had seen the Schumpeter theory introduction part and five categories that Schumpeter explained about why invention and innovation is required for manufacturing process. Now we will see the difference between inventor and innovator. The Schumpeter had explained कि इन्वेंटर कौन होता है, इन्वेंटर का रिक्वायरमेंट क्या है और इन्वेंटर क्यों ज़रूरी है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, और इनोवेटर में दोनों में डिफरेंस क्या है. सो फर्स्ट हम बात करेंगे इन्वेंटर. हु इज़ इन्वेंटर? एज पर Schumpeter थ्योरी, इन्वेंटर हु इन्वेंट न्यू मेथड्स है प्रोडक्शन के लिए, जिसने डेवलप किया, जिसे कहते हैं इन्वेंटर. इनोवेटर कौन होता है? जो इस न्यू मेथड्स को यूज करता है एज अ कॉम्बिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट. अंडरस्टैंड द टू डिफरेंस व्हाट Schumpeter हैड गिवन? अगेन आई विल टेल यू, इन्वेंटर हु इन्वेंट न्यू मेथड, इनोवेटर हु यूज दैट मेथड्स, न्यू मेथड फॉर कॉम्बिनेशन, हु यूज द कॉम्बिनेशन एंड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, राइट. सो Schumpeter हैड गिवन द डिफरेंस अबाउट इन्वेंटर एंड इनोवेटर, राइट. ऑल्सो इन एवरी थियरी इन इकोनॉमिक्स अजम्पशन इज रिक्वायर्ड, विदाउट अजम्पशन थियरी कैनॉट कम्प्लीट. नाउ वॉट इज अजम्पशन? अजम्पशन एग्जैक्टली होता क्या है? जो भी ऑथर होता है जिसने ये इन्वेंशन का थियरी डिज़ाइन किया है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी आइडिया से, अगर अजम्पशन मतलब ये सारी चीज़ें अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉलो करती है तो इन्वेंशन 100% इनोवेशन पॉसिबल. अंडरस्टैंड, किसी भी थ्योरी के लिए अजम्पशन क्यों होती है इकोनॉमिक्स में, राइट. अगर हम अज्यूम करते कि हमारे पॉकेट में अगर 10,000 रुपीज़ है तो हम क्या क्या शॉपिंग कर सकते, राइट. तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया? ₹10,000. सिमिलरली वाई टू अचीव अवर गोल. सिमिलरली इन इकोनॉमिक्स जो ऑथर्स होते हैं उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उन्हें जो अगर इन्वेंशन प्रूव करना है कि इन्वेंशन इनोवेशन क्यों ज़रूरी है मैन्युफैक्चरर के लिए, कंट्री के लिए, किसी बिजनेस के लिए, सो दे आर गिविंग सर्टन अजम्पशन. अगर इस तरह से पॉइंट होते हैं तो इनोवेशन पॉसिबल है और फायदेमंद क्यों होता है किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए. कैन यू सी हियर अजम्पशन? वी विल सी वन बाय वन. एग्जिस्टेंस ऑफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल और सफिशियंट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, मतलब क्या है? फर्स्ट अजम्पशन जो Schumpeter ने दिया है, एग्जिस्टेंस ऑफ सफिशियंट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. अगर किसी मैन्युफैक्चरर के पास सफिशियंट मतलब इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल है, अवेलेबल है, किस लिए? प्रोडक्शन के लिए, तो इनोवेशन पॉसिबल है, राइट. आपके कंपनी में अगर फंड ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं, तो आप किस तरह से मैन्युफैक्चर करेंगे? अगर आपके कंपनी में 1,00,000 रुपीज का ही फंड है, जो आपके यू हैव टू पे द वेजेस, यू हैव टू पे द बिल्स, राइट. सो हाउ यू गोइंग टू इनोवेट? पॉसिबल ही नहीं. जो आप प्रोडक्ट 10 साल से मैन्युफैक्चर करते हैं, आप सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, राइट. तो इनोवेशन के लिए Schumpeter ने फर्स्ट अजम्पशन क्या दिया था? अगर किसी कंपनी के पास, मैन्युफैक्चरर के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल है तो वो इनोवेशन कर सकता है. क्यों? क्योंकि इनोवेशन के लिए ऑब्वियसली कैपिटल रिक्वायर है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, करेक्ट. सेकंड क्या है? एग्जिस्टिंग डेवलप बैंकिंग सिस्टम टू अवॉइड स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल, राइट. कैपिटल कब हमारे पास आता है? हमारे पास मतलब मैन्युफैक्चरर के पास कब आता है? व्हेन देयर इज अ प्रॉपर सर्विसेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स आर अवेलेबल. बैंक्स के सेक्टर्स अवेलेबल नहीं है या फिर बैंकिंग सेक्टर किसी कंट्री में लैकिंग है तो इनोवेशन पॉसिबल ही नहीं. आप फंड कहाँ से रेस करेंगे? अगर आप प्राइवेट फाइनेंसर के पास जाते हैं सो दे विल चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो किसी भी ओनर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए पे करना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, राइट. सो अगर किसी कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे डेवलप बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, सो दैट स्केयरसिटी ऑफ कैपिटल मतलब क्या, जितनी भी कैपिटल अगर कम पड़ रहा है तो आपको जो है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे कैन प्रोवाइड यू द कैपिटल, सो दैट यू कैन स्टार्ट इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट, स्टार्ट लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट इन टू द मार्केट एंड यू कैन ग्रो योर बिजनेस. अंडरस्टैंड, दैट इज अ सेकेंड पॉइंट. नाउ वॉट इज अ थर्ड वन? कैन यू सी हियर? Existence of high level of developed technology.
अगर किसी कंट्री में, अगर किसी मैन्युफैक्चरर के पास हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, भी टेक्नोलॉजी मतलब क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास बेस्ट क्वालिटी की मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, राइट, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है मशीनरी या फिर फास्टेस्ट वे टू मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होनी चाहिए, वॉट एवर द टेक्नोलॉजी, जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट, राइट। सो अगर आपके पास हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो ही आप इनोवेशन कर सकते हो, या फिर तो आपके लिए पॉसिबल है कि आप इनोवेट करेंगे, एंड इनोवेशन के बाद ऑब्वियसली योर ग्रोथ इज अल्टीमेटली, योर कंपनी ग्रोथ एज वेल एज द कंट्री ग्रोथ इज डेफिनेटली देयर, दैट इज अ थर्ड पॉइंट। फोर्थ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव एंड ब्रॉड बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट इनिशिएटिव्स एंड ब्रॉड बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। प्राइवेट इनिशिएटिव्स क्या होते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, उनको ज्यादा से ज्यादा अप्रूवल दे आपकी कंट्री, राइट, एंड दे कैन स्टार्ट growing their business. For example, अगर उनको as a to gain capital, right? Capital अगर जमा करने के लिए, if they have to sell their shares, right? That is also your market is open, right? To offer shares to the public so that you can take capital with the help of share, in the form of share from the public, and you can utilize for the development process of your manufacturer, or is what development process of your product. राइट, सो दीज आर द फोर पॉइंट जो शुम्पिटर ने अजम्पशन दिए थे थियोरी रिलेटेड। सो हैव यू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन वी हैड सीन यस्टरडे, फाइव पॉइंट्स ऑल्सो वी हैड सीन टूडे, वी हैड ऑल्सो डन द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंटर कौन होता है, जो न्यू मेथड और न्यू टेक्नोलॉजी को लॉन्च करता है, इनोवेटर कौन होता है, जो उस न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके, कॉम्बिनेशन करके उनसे कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, राइट, आइडियाज लगा के। मैंने आपको आइडियाज दिए तो आप आइडियाज को गैदर करते हो, आप कंबाइन करते हो, एंड देन यू विल थिंक कि हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया एंड यू आर गोइंग टू डिलीवर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज अ इनोवेटर। ही ऑल्सो गिवन अजम्पशन, सो दीज आर द फोर अजम्पशन। नाउ बेसिकली अगर हम फोर अजम्पशंस को देखते हैं, सो दिस इज अप्लीकेबल फॉर द डेवलप इकोनॉमिक्स, नॉट फॉर द अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स, यू कैन सी हियर, राइट, दैट इज ऑल्सो वन पार्ट। कि अगर ये सारे अजम्पशन आपको आपकी कंट्री में अगर चाहिए, तो उसके लिए क्या है, एक क्वालिटी या फिर एक कंडीशन यू कैन से कि योर कंट्री हैज टू बी डेवलप कंट्री, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू arrange sufficient amount of capital, having best quality of banking system, having good technology available in the country, and also the private initiatives and entrepreneurship is possible in your country so that you can develop your business. So these are the four assumptions, guys. Hope you are clear with that. Tomorrow we will see in the video the criticism of the theory, because we in economics, theory is incomplete without the criticism and conclusion also. So hope you like it video, guys, and if you have any other suggestion for the topic, please comment down below, and please share with your friends, and do like the video and subscribe to the Economic Decode. Thank you so much for watching.